नमस्कार मित्रों, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जिला कोर्ट में जो चपरासी की वैकेंसी आई हुई है सभी जिलों के लिए, उसका फॉर्म किस प्रकार भरना होगा, संपूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले बेसिक जानकारी दिखा देते हैं यहाँ। तो सर्वप्रथम बात करते हैं पोस्ट आपको कहाँ से मिल रही है, जिला कोर्ट यानी जिला न्यायालय या जिला न्यायाधीश ऑफिस से ये वैकेंसी है आपको मिल रही है। यहाँ जो वैकेंसीज मिल रही है किस पोस्ट के लिए आपको मिल रही है, चपरासी की पोस्ट आपको मिल रही है, सफाई वाला पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है, और प्रोसेसर सर्वर की वैकेंसी यहाँ आपको मिल रही है। और इसमें जो योग्यता रखी गई है सिंपल रखी गई है, 5वीं और 8वीं पास, केवल आपको 5वीं पास होना है। और यहाँ सफाई वाले के लिए 5वीं पास होना है, और जो हमारी चपरासी की पोस्ट है उसके लिए होना है 8वीं पास, या हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ये जानकारी हम प्रूफ के तौर पे दिखा देंगे। अभी बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो इसमें आपका जो आवेदन शुल्क है वो रखा गया फ्री, यहाँ किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना है। हम आपको फॉर्म दे देंगे, वो फॉर्म आपको भर देना है। फॉर्म भरने के बाद इसे लिफाफे में या बाई हैंड भी आप दे सकते हो जिला कोर्ट में। महिला एंड पुरुष दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई। बिना परीक्षा इसमें आपका चयन किया जाएगा, और इसमें किसी प्रकार की आपकी एग्जाम नहीं होगी। अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं जो फाइनली डिपार्टमेंट ने जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म किस प्रकार भरना है वो बता देते हैं। आपको एक सफ़ेद पेज लेना होगा, सफ़ेद पेज पे आपको ऊपर में लिखना होगा, जो इसमें सबसे पहले लिखना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पद का नाम, जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो उसका नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी जिसके अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हो, जैसे ST, SC, OBC और शैक्षणिक योग्यता, वर्तमान डाक का पता। यहाँ आपको नंबर है वो अटैच करने हैं, क्योंकि आप नंबर नहीं लिख रहे हो, नंबर आपको इसमें टाइप करना है, मेल आईडी भी टाइप करना है। उससे क्या है कि जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो तब किसी प्रकार की दिक्कत ना हो आपके एड्रेस वेरीफाई के लिए। अनुभव यदि आपके पास है तो यहाँ अनुभव यदि है तो इसमें आप लगा सकते हैं, बट यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। और ये भर्ती प्रक्रिया है वो एग्ज़ाम के आधारित नहीं है, इसमें आपका इंटरव्यू होगा। और अभी जो फ़िलहाल आपने कुछ महीनों में पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाई है, वो फ़ोटो उसको राइट हैंड कॉर्नर में आपको चिपका देनी है। और उम्र सीमा की बात करें तो इसमें उम्र सीमा आपकी है 1 जनवरी 2019 को आप कम से कम 18 वर्ष के, और अधिकतम आपकी उम्र 42 वर्ष है तो अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा में जो छूट मिल रही है SC ST OBC के कैंडिडेट्स को मिल रही है। यहाँ देख सकते हो सफाई कर्मी के लिए कितनी सफाई कर्मचारी स्वीपर की पोस्ट आपको मिल रही है, जो उम्मीदवार 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है तथा हिंदी का ज्ञान रखता हो अप्लाई कर सकता है। किसका हिंदी का ज्ञान रखता है अप्लाई कर सकता है। चपरासी की पोस्ट के लिए यहाँ देख सकते हो, चपरासी की पोस्ट के लिए 8वीं पास यदि हैं तो अप्लाई कर सकते हो, और प्रोसेसर सर्वर के लिए 10वीं पास यदि हैं, और इसी के साथ साथ पंजाबी। अब हम आपको वैकेंसीज की लिस्ट बता देते हैं, हम इस पर दोबारा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम इसी वीडियो में आपको पूरी डिटेल समझा देते हैं। जो भी नेक्स्ट में जिला कोर्ट की जो वैकेंसी निकलेगी उसका हम वीडियो नहीं बनाएंगे इस राज्य के लिए, क्योंकि आप कहोगे कि बार बार एक ही प्रकार का आप जॉब बता रहे हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी जगह का जॉब निकल चुका है, सोनीपत का निकल चुका है, करनाल का निकल चुका है, फतेहाबाद जिला कोर्ट का जो है अब लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। आपको करना क्या है, किस प्रकार आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब आपको सर्च करना है, तो हम सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देते हैं। उस वेबसाइट की सहायता से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप सर्च कर सकते हो। इससे पहले आप देख सकते हो यहाँ वेतन देख सकते हो 16,900 से 53,000 आपको परमानेंट रखा जाएगा यदि आप इसमें अच्छा कार्य करोगे तो। और यहाँ हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता देते हैं। अभी बात करते हैं जैसे कि हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, तो आपको गूगल में सिंपल ये टाइप करना है, जैसे कि http डिस्ट्रिक्ट के ecourt.gov.in/ लगा के आप जिस जिले से आप बिलोंग कर रहे हो उस जिले का यहाँ नाम, जैसे यहाँ सोनीपत की ये वैकेंसी निकल रही है तो आप यहाँ करनाल लगा सकते हो, करनाल की वैकेंसी संबंधित डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट का ऑप्शन खोलना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी आपके सामने,
और यदि आप फतेहाबाद, भिवानी या अन्य डिस्ट्रिक्ट से, और ये नहीं है कि ये विशेषकर हरियाणा के लोगों के लिए, राजस्थान के जो सब्सक्राइबर हैं वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो वैकेंसी निकलते हैं हाई कोर्ट के कोर्ट की, वो इस प्रकार देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जो छोटी भर्ती हैं उनका हम नोटिफिकेशन आपको नहीं दे सकते, तो आपको सिंपली इस प्रकार ये ट्राई कर लेना है। और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब पाने के लिए हमारे चैनल संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना ये वीडियो, ताकि वो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।